बड़ी खबर बता दें, कच्चा मकान गिरने से हुई दो बच्चों की मौत, दो घायल। बताते चलें पूरा मामला कन्नौज जनपद के गोपालपुर गांव का, जो हसेरम ब्लॉक के अंतर्गत आता है। आज रात रामदास पुत्र पुत्तूलाल अपने परिवार के साथ कच्चे मकान की छत पर सो रहा था। अचानक रात में बारिश की वजह से मकान गिर गया, जिसमें रामदास का एक पुत्र विवेक, जिसकी उम्र 9 वर्ष, तथा पुत्री सरिता 11 वर्ष की मौके पर मृत हो गई। छोटा बेटा विशाल व अंजलि, जो विकलांग है, मलबे में दबकर गंभीर रूप से घायल है, जिसका उपचार राजकीय मेडिकल कॉलेज तिरवा में चल रहा है। घटना लगभग रात 3 बजे की है। ग्रामीणों को जब पता लगा तो उन्होंने मलबे से परिवार को निकाल कर प्रशासन को जानकारी दी। प्रशासनिक लोग 4:30 बजे उपस्थित हुए, उसके बाद मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घायलों का उपचार चल रहा है। बता दें कि पीड़ित के परिवार में 6 सदस्य हैं, जिसमें 2 पुत्र और 2 पुत्रियां, पति पत्नी, जो एक कच्चे मकान में रह रहे थे। आज अचानक कच्चा मकान गिर गया, जिससे बड़ा हादसा हुआ, परिवार में कोहराम मचा है। मौके पर पहुंचे इंद्रगढ़ थाना प्रभारी पारुल चौधरी ने घटना का जायजा लिया। पारिवारिक जनों ने ग्राम प्रधान और सचिव पर गंभीर आरोप लगाए। अजय राजपूत की रिपोर्ट। और मैं हूं अजय राजपूत। आज हम मौजूद हैं कन्नौज जनपद के हसेरम ब्लॉक में, जहां एक स्थानीय गांव गोपालपुर में तेज बारिश के चलते आज रात को एक कच्चा मकान गिर गया, जिसमें एक परिवार सो रहा था। मौके पर 2 बच्चों की मृत्यु हो गई। घटना लगभग रात 3:30 बजे की थी। ग्रामीणों ने जब प्रशासन को सूचना दी तो लगभग 4:30 बजे के करीब यहां पर प्रशासनिक लोग उपस्थित हुए। मृतक बच्चों को आज पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जिसमें एक बालिका अभी गंभीर रूप से घायल है, जिसका उपचार राजकीय मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत अभी तक नहीं हो पाई है। देखते हैं प्रशासनिक तौर पर पीड़ित की क्या मदद की जा सकती है। आइए मिलाते हैं यहाँ के हम कुछ ग्रामीणों से और लेते हैं घटना की पूरी जानकारी। क्या घटना की ये रहा उनका कच्चा मकान। क्या हुआ? मकान गिर गया रात को 3 बजे। साहब के बच्चे दब गए तो मोहल्ला वाले टूट पर निखारो, उसमें 2 बच्चे खत्म हो गए यहीं पर। चलो डॉक्टर को दिखाया जाए। डॉक्टर दिखाने गए, वहाँ पुलिस वाले ने, जब मट्टी खत्म हो चुकी है तो फिर मट्टी हम अपनी द्वारा उतार लेते। मट्टी नहीं उतारी, मट्टी नहीं उतारी, जबरदस्ती मट्टी लेके गए। फिर अब इधर उधर आदमी लगे, ना प्रधान कुछ कर रहा, ना कोई कर रहा हो। वहाँ जब कहा गया, वहाँ कहा गया कि मतलब ये पुलिस वाले ने साहब जबरदस्ती मट्टी डल ली कि मट्टी यही नहीं देंगे। मट्टी जबरदस्ती में ले गए हम लोग, मतलब हथेली साथ में, और जब 5 लोग तो घायल हैं, वे लोग क्या करे, जबरदस्ती मट्टी ले गए। जे लोग मट्टी नहीं उतारन दे, जबरदस्ती कौन ले गया? यहाँ का प्रधान भी नहीं कुछ करता है। यहाँ का प्रधान भी खाना है, जब खा लेता है गरीब लोग, कहाँ खबा दे उसको। वे भी नहीं कुछ सहायता करते है। जब कोई बात है कि मतलब तुम गरीब आदमी की सहायता ना करो, तुम लोग क्या अपने घर से दोगे? दोगा तो सरकार दोगा। आज दिनांक 29/9/2024, थाना इंदरगढ़ क्षेत्र में ग्राम गोपालपुर में रामदास सन ऑफ पुत्तूलाल, जिनकी उम्र करीब 45 वर्ष है, अपने पूरे परिवार के साथ पे घर की छत पे सो रहे थे। पत्नी तथा 4 बच्चे सभी छत पर मौजूद थे। देर रात करीब 3 बजे घर की कच्ची छत, जो कि बारिश की वजह से पहले से सीलन थी पूरे घर पर, वो कच्ची छत गिर गई और साइड वाली दीवार उन सभी के ऊपर गिर जाने की वजह से वो सभी घायल हो गए। सूचना मिलने पर ग्रामीण लोगों की मदद से उनको बाहर निकाला गया तथा CHC हसेरन में सभी को उपचार हेतु भेजा गया। 3 लोगों को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, उसमें से 2 बच्चों की मृत्यु हो गई है, शेष सभी ठीक है और सामान्य स्थिति है, जिनको डिस्चार्ज किया जा रहा है। बच्चे सभी, बाकी सभी खतरे से बाहर है। अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है।